तो आखिर में अब आते हैं, आप अपने बच्चों के लिए एक करियर गाइड कैसा हो सकते हैं। देखिए आपका बच्चा जो है पढ़ रहा है, मार्क्स लेगा, लेकिन आपके बच्चों को आपको भी गाइड करना है ना। ऐसा नहीं कि आपके बच्चों को सारा गाइडेंस बाहर से मिलेगा, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। एक है जो COVID-19 हुआ है, COVID-19 से जो है ऑनलाइन एजुकेशन आज दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। मेरी गुजारिश तमाम पेरेंट्स से है कि आपके घर में अगले एक महीने के अंदर लैपटॉप खरीदिए। माशाल्लाह आप सबके पास मोबाइल फोन है, किस किस घर में वॉशिंग मशीन है भाई, हाथ उठाओ, टू व्हीलर, फ्रिज, गैस, गैस का सिलेंडर, आप बोलो क्या सर आप भी ऐसा पूछ रहे। बिल्कुल, जिस तरह गैस का सिलेंडर अगर नहीं हो तो क्या होगी हालत घर की। नाश्ता बनेगा 10 बजे, खाना बनेगा 4 बजे, डिनर होगा 12 बजे और नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास। इसी तरह हालत होगी अगर आपके घर में लैपटॉप ना हो। तो मेरी गुजारिश है आप तमाम पेरेंट्स, मैं सिर्फ एक वाक्य बोलता हूँ, मेरे दोस्त 1999 में मेरे साथ इंजीनियरिंग ज्वाइन किए, 1993 में लैपटॉप नहीं था, P3 कंप्यूटर था, इतना मोटा CPU मॉनिटर, उसकी कीमत थी 35,000। मेरे दोस्त को चाहिए था कंप्यूटर क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिया था और वो सबसे टॉप इंजीनियरिंग ब्रांच थी। उनकी अम्मी ने एक बड़ा डिसीजन लिया अपनी जिंदगी का और वो था अपने माल को बेचना। उन्होंने माल को बेचा, बच्चे को लैपटॉप कंप्यूटर दिलाया, बच्चे ने पढ़ा, तरक्की की। उस बच्चे की पहली सैलरी थी 30,000 रुपए एक महीने। माशाल्लाह उसने आज तक अपने माँ बाप को कई बार उमरा किया करवाया है, कई बार हज करवाया है। और ये मेरा दोस्त जिस तरह हुगली धारवाड़ है ना, उस तरह उसको इंडिया और अमेरिका है। एयरपोर्ट में वॉक इन करता है, टिकट लेता है, फ्लाइट पकड़ता है। ये कुर्बानी उस एक माँ का डिसीजन था कि मुझे ज्वेलरी अब नहीं चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज बहुत सारे माए हैं, हम लोग इतनी मोहब्बत रख लेते हैं मालों से कि हम हमारे बच्चों की तरक्की भी उसके लिए यूज नहीं करते। आज अगर मैं इतना जोर दे रहा हूं, अयुब भाई मैं वहां पर भी वही बोला, दोनों प्रोग्राम वही बोला, क्यों बोल रहा हूं मैं, आज जरूरत है इस कौम को लैपटॉप को पकड़ने की, लेकिन लैपटॉप लेने के बाद लैपटॉप को हॉल में रखना चाहिए। क्यों? हॉल में रखेंगे बच्चे का जहन पढ़ाई के ऊपर होगा, रूम में देंगे वो कार्टून देखेंगे, मूवीज देखेंगे, राइट? वो कभी भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में अगर टीवी है उसको बेचिए, कितने रुपए आते हैं देखो। अगर आपके घर में कोई ऐसी भी चीज है जो इस्तेमाल नहीं आ रही है बेचिए, लेकिन एक महीने के अंदर मेरी अपील है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे दोनों बच्चों ने लैपटॉप दिया, मैंने डिफरेंस देखा, वो अपना काम खुद कर लेते हैं। मुझे अगर मेरी बेटी को इंस्ट्रक्शन देना है तो मैं ईमेल करता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस सिस्टम है। हम लोग क्यों लैपटॉप नहीं लेते, हम ये सोचते हैं कि लैपटॉप बहुत कॉस्टली है, नहीं है, 25,000 में मिल जाएगा, 20 में मिलेगा, एक अच्छा वाला 35 में मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप मैक लो, आईपैड लो, नहीं है, ओके? कुर्बानी दीजिए बच्चों का फ्यूचर के लिए, ऑनलाइन को अपनाइए, आपके बच्चों को हुनर सिखाइए। आपके बच्चे एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, बच्चों को कभी कभी 5 काम दो एक ही टाइम, फिर देखो क्या वो 5 काम करते हैं या नहीं करते। 5 काम ओरली बोल दो, जान बूझ करके प्लानिंग करके संडे के दिन आपके बच्चे को बुला के बिना लिखे 5 काम बोलो, 5 अलग अलग काम, देखो बच्चा करता है नहीं करता। उसके बाद 3 दो, नहीं करता 1 दो, फिर उसको ट्रेन करते करते 2-3। मल्टीटास्किंग जो बच्चे होते हैं वही आगे चल के बड़े बड़े जॉब्स करेंगे। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे की पहली सैलरी 2 लाख हो, हाथ उठाओ, जल्दी हाथ उठाओ। सर मेरी तो हुई या नहीं हुई नक्का मालूम सर, नहीं सर मेरा बच्चा कमाना, ये हर पेरेंट की दिली तमन्ना है भाई, क्यों नहीं आओ, क्यों ना हो, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी मेहनत की है ना, जिंदगी जान दी है ना बच्चों के लिए, दिए नहीं दिए सर, जान तो नहीं दिए सर, फिलहाल जान है लेकिन वक्त ही है ना, ओके? सो आपके बच्चों के अंदर काबिलियत पैदा करो, ओके? बच्चे बहुत रट्टा मारते हैं, अच्छा है, लेकिन आपके बच्चों के अंदर काबिलियत पैदा करना बेहद जरूरी है।
बच्चे जो है अलग अलग टाइम पे कामयाबी को दिखाते हैं। ये बच्चे जो लेफ्ट साइड में है, इसने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लिया सीबीएसई में, और राइट साइड में जुनेद अहमद ने, जिन्होंने ऑल इंडिया तीसरा रैंक लिया यूपीएससी। अगर आपका बच्चा टेंथ में कम मार्क्स लेता है, फिफ्थ में फेल होता है, नो प्रॉब्लम, बी प्राउड ऑफ हिम इनसाइड, बट वर्क ऑन। बच्चे जब हारते हैं उनको निकाल के पनिशमेंट देना नहीं है, उनको बताना है कि इस हार से क्या सीखे, उससे क्या इंप्रूवमेंट करें। हम लोग कई मरतबा जो है फेलियर को फाइनल छाप मार के बोलते हैं, ये बच्चे को हम निकाल के यहाँ पे काम पे लगा देंगे, वहां भेज देते हैं, इसको पनिश करना है। अरे भाई बच्चे को क्यों पनिशमेंट देते हैं आप, वो आपकी औलाद है, दुनिया तो पहले ही पनिशमेंट दे रही है ना, दुनिया एक अच्छी है क्या, स्वीट है क्या, पीपल आर मर्सीलेस, सो बी वेरी केयरफुल, मेंटर योर चाइल्ड, हेल्प योर चाइल्ड टेक लाइफ चेंजिंग डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आप अपने बच्चों को सिखाइए। आपका बच्चा ग्रेट कैसे बनेगा, आपके बच्चे की यूनिकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए। बहुत पेरेंट्स जो है अपना एफर्ट डालते हैं बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए, लेकिन वो बच्चे की यूनिकनेस को डिस्कवर नहीं कर पाते, उसको देखिए। आपके बच्चे को बड़ा सोचना है, आपके बच्चे को इतना बड़ा सोचना है कि मुझे दुनिया किस चीज के लिए याद रखेगी। तो हम हमारे बच्चों को ये बताएं कि दुनिया याद रखनी है ना, द वर्ल्ड शुड रिमेम्बर यू, क्योंकि अगर दुनिया याद नहीं रहेगी तो फायदा क्या है। हम लोग खुद हमारे दादा के दादा का नाम नहीं जानते, तो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के ग्रैंड चिल्ड्रन क्या याद रखेंगे हम, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये मेरी रियलिटी थी, मेरा सफर था। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बच्चे जो है ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो ख्वाबों को ऑर्गेनाइज करने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आज मैं जो भी हूँ मेरे माँ बाप की दुआओं से, उनकी जो मेंटरिंग है, उन्होंने जो मुझे वैल्यू सिखाया, उन्होंने जो मुझे प्रिंसिपल, मुझे आज भी याद है, हम ही बोलते थे प्राइम मिनिस्टर आएगा तो भी तुम मुंडी नहीं हिलाओगे। मतलब जब मैं पढ़ने बैठता था, शी टोल्ड मी इवन इफ प्राइम मिनिस्टर कम्स एंड सिट्स नेक्स्ट टू यू, यू विल नॉट मूव योर हेड। वो इतना बात चला गया था। अभी कभी मैं काम करने के बैठता हूँ ना, मेरे स्टाफ चिल्ला करते हैं सर सर बोल के, मैं मेरी दुनिया में रहता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन फोकस होता है माँ बाप के okay? आपका बच्चा जो भी बनेगा उसको यहाँ पे होना चाहिए। ये क्या है, जो बच्चा करना पसंद करता है, जो उसके उसको करना अच्छा आता है, और जिसके लिए लोग पैसे देने के लिए रेडी है। वॉट यू लव टू डू, वॉट यू आर गुड एट, वॉट समवन विल पे यू फॉर दैट, आपके बच्चे को वहां पे रहना है। ये होता है करियर प्लानिंग, राइट। सो द फ्यूचर लाइज इन मल्टीपल करियर्स। आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए एक काम के लिए नहीं, दो तीन चार काम के लिए। बच्चे को बोलो बेटा तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, लेट्स वर्क ऑन ऑल दीज ऑप्शंस।